टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 इंटीजर्स क्लास 7 मैथ्स क्वेश्चन 1 सो राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हु। आपको यहाँ पे एक पेयर तैयार करना है। जैसे आपका पार्ट 1 है सम इज माइनस 7। सम इज माइनस 7 मीन्स एक ऐसा पेयर आपको लेना है जिसका सम्स क्या है माइनस 7। तो माइनस 7 लाने के लिए सबसे पहले तो हमको देखने कि 7 किन नंबरों को जोड़ने में आता है। तो 7 आपको 4 प्लस 3 को जोड़ने में आता है 7। और भी पेयर हो सकते हैं आपके, लेकिन आपको ए पेयर लिखना है। पॉसिबिलिटी बहुत है इस आंसर की, ये नहीं कि इसका आंसर सिर्फ पर्टिकुलर 1 है। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं जिसका मैं आपको एक ही आंसर बता रही हूँ, क्योंकि इसमें ए पेयर करना है। ओके, तो 4 प्लस 3 7, बट आपको कितना लाना है माइनस 7। यदि हम माइनस 4 कर देते हैं इसके आगे और प्लस 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा आपका, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। लेकिन हमको आंसर कितना लाना है, इसका आंसर लाना है माइनस 7। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, हमने एक पेयर ले लिया 4 और 3 का, तो माइनस 4 प्लस ब्रैकेट्स में माइनस 3, तो माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 3, अब माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 7, बट आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन आ गया 4 का, तो ये हो गया माइनस 7। तो ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आपका और भी पेयर हो सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे आपका एक एग्जांपल है 8 माइनस 1 भी करते हैं तब भी आपका 7 आता है। ठीक है, लेकिन हमको कितना चाहिए, माइनस 7 चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर दें, माइनस कर दें, और यहाँ पे क्या कर दें, प्लस और माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो -8 -1, नहीं सॉरी, यहाँ पे हम 1 ही रहने देंगे, तो -8 + 1, तो क्या आ जाएगा आपका 7 सब्ट्रैक्ट करने में आ जाएगा, और बड़े इंटीजर्स का साइन आपका माइनस है, तो ये 7 आ जाएगा। तो पेयर तो और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 1 ही पेयर करना है, इसलिए हम इसी एग्जांपल को यहाँ रहने देते हैं। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस इज -10। आपको ऐसे नंबर लेना है जिसका डिफरेंस क्या है -10। तो -10 आपको कैसे, 10 किन नंबरों को आपको सब्ट्रैक्ट करने में आता है, 20 में से आपने -10 किया तो आपको 10 मिल रहा है, बट हमको लाना है -10। तो हम क्या करेंगे कि -20 डिफरेंस निकालना है, इसलिए माइनस का निशान आएगा, फिर -10 ब्रैकेट्स में, तो -20 माइनस माइनस प्लस 10, अब 20 माइनस प्लस का क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 20 में से हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आया, बट आपका साइन किसका आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, इसलिए -10 आ गया, इसलिए ये आपका आंसर राइट होगा। इसमें और भी आंसर हो सकते हैं आपके। अब आपका नेक्स्ट है सम इज 0। 0 लाना बहुत ही सरल, एक प्लस का इंटीजर्स लीजिए, एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए एक, और निगेटिव, जैसे मैंने -3 इंटीजर्स लिया है, एक पॉजिटिव 3 इंटीजर्स लिया है, तो -3 + 3, ठीक है, -3 - 3 = 0। इसी तरह आप 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं सेम नंबरों को। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर हु डिफरेंस गिव्स 8। आपको ऐसे इंटीजर्स का पेयर बनाना है, बट कैसे इंटीजर्स का, निगेटिव इंटीजर्स का, हुज डिफरेंस गिव्स 8, जिससे आपको 8 मिले। ठीक है, तो 8 किससे मिल सकता, आप 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा। अब आप इसको कैसे पेयर बना रहे हैं, -2 - -10 ब्रैकेट्स में, तो -2 - -10 हो जाएगा। अब आपको किसका साइन लाना है, प्लस का साइन लाना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 2 और 10 में, मीन्स जैसे हमने किया ना 10 माइनस 2 आपका कितना आ गया 8, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये सवाल तो इसी तरह लगाया जाएगा, माइनस फिर यहाँ कोई नंबर लिखेंगे, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट्स में माइनस। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबर सेट करना है कि जो आपका पॉजिटिव हो वो बड़ा नंबर हो। तो हम यहाँ करेंगे -2 जैसे मैंने किया है, और यहाँ करेंगे -10। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 10, अब 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए तो 8। अब 10 आपका बड़ा इंटीजर से, इसलिए पॉजिटिव 8 आ गया। ओके, तो आपके पेयर क्या मिले आपको, -2 और -10। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस बी पार्ट का,
टू का बी पार्ट है, राइट नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हूज सम इज 5। आपको एक नेगेटिव इंटीजर्स लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, उसका सम्स कितना आना चाहिए? -5। आप पेयर लेंगे, 5 कैसे आता है? 6 में से हम 1 माइनस करते हैं तो 5 आता है। इसी तरह हमने साइन बताया आपको, जैसे मैं यहाँ फिर से करके बता रही हूँ कि माइनस का एक हमारा साइन आएगा, एक आपका प्लस का साइन आएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या लाना है? -5। तो हमको 6 और 1 को ऐसे सेट करना है कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा है? माइनस साइड हो। तो हमने यहाँ जैसे किया है -6 + 1, ठीक है। तो -6 + 1 + -6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 आ गया, बट आपका साइन किसका आ गया? 6 का आ गया, क्योंकि 6 आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर से, इसलिए -5 आ गया। आपका पेयर क्या बन रहा है? -6 + 1 का, ठीक है। आपका इसका सी पार्ट है, राइट है नेगेटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर्स हूज डिफरेंस -3। आपको नेगेटिव इंटीजर्स लेना है और पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है जिसका डिफरेंस -3 है। तो 3 का बात है, 2 और 1 को जोड़ने पे आता है। इसी तरह आप -3 लाना है तो आप बड़े नंबर को माइनस साइज सेट कीजिए, तो -2 - 1, ठीक है। -1 लिया हमने तो -3 आ गया, बट आपका साइन क्या आना चाहिए? माइनस, तो माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर से 2, इसलिए हमारा साइन क्या आ गया? माइनस का। आपके पेयर यहाँ बन रहे हैं -1 और 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं, और तो यहाँ आपका पेयर बन रहा है -2 और 1 का, ठीक है। और आपको इन सभी क्वेश्चनों को करना है, और 1.1 एक बार रिवीजन कर लीजिए रफ में भी, फेयर के साथ साथ। फेयर में पूरी कॉपी कंप्लीट करिए 1.1, और 1.1 रफ में भी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपसे आने लगे। थैंक यू।